हाय दोस्तों दोस्तों मैं एक नया सेशन स्टार्ट करना चाह रहा था, Q&A सेशन, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका डिटेल्ड आंसर मैं नहीं दे सकता कमेंट में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक्चुअली आइदर थोड़े लेंथी रहते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे थोड़ा आंसर देना डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। तो मैं ये Q&A सेशन जो है आपका, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दिया करूँगा और आप उसमें अपने आंसर्स को देख सकते हो, समझ सकते हो, और आपको फर्दर अगर क्वेश्चन है तो फिर से आप अगले Q&A सेशन में उसको समझ सकते हो, उसका अपने आंसर को पा सकते हो। जस्ट लाइक मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास है ये कमेंट, रजनी जायसवाल रिप्लाइड, ठीक है। ये इनका एक कमेंट था कि जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट ए मिनट। और DSP दीपक का भी एक रिप्लाई था कि वो जो कमेंट था दोस्तों, इट वाज कि क्या ब्लेंडर में हम एनिमेशन कर सकते हैं हमारे इस PC के कॉन्फ़िगरेशन में। जस्ट लाइक यहाँ पे सर, मेरे पास i3 लैपटॉप है, क्या मैं कार्टून एनिमेशन बना सकती हूँ? तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो अपने लैपटॉप का, जैसे कि रैम, ग्राफिक्स वगैरह। दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से ब्लेंडर 3D को हम यूज करते हैं अपने अपने मॉडल्स को बनाने के लिए या एनिमेशन को बनाने के लिए, तो अगर आप चाहो तो रिक्वायरमेंट्स अगर जानना चाहते हो कि ब्लेंडर 3D रिक्वायरमेंट्स, अगर आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो ब्लेंडर 3D मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद वो आपको ये बताएगा कि क्या चाहिए, मतलब आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, चाहे वो PC हो चाहे वो लैपटॉप हो। और उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिनिमम बेसिक यूजेज जो रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, उसमें आपका कि 32-bit ड्यूल कोर 2 GHz चाहिए उसको CPU, 2 GB एटलीस्ट रैम चाहिए, 24 bits इतना जो रिजोल्यूशन है उसका डिस्प्ले चाहिए, माउस चाहिए, ट्रैकपैड चाहिए, एंड OpenGL 2.1 कॉम्पेटिबल ग्राफिक्स विथ 512 MB रैम, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आपके पास अगर जस्ट लाइक इन्होंने कहा था कि अल्ट्रा एम i3 है, 4 GB रैम है एंड 9 ग्राफिक्स है, कैन आई इंस्टॉल ग्राफिक्स कार्ड? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर डिफ़ॉल्ट आपके पास नहीं है दिया हुआ उसमें, तो आप अलग से नहीं लगवा सकते, जहाँ तक मुझे पता है मेरे नॉलेज के अनुसार से। और ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल का मतलब आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो एक तरह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, और आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, दैट इज़ ए हार्डवेयर एंड यू विल हैव टू यू नो, वो आप नहीं कर सकते अगर आपके वाले में नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये बेसिक ग्राफिक कार्ड डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में रहते ही हैं, वो चाहे 512 MB हो या फिर अप्रोक्सीमेटली लेस देन अराउंड 1 GB जो है ये रहता ही है, तो ये मैटर नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स आपके वाले में ब्लेंडर सपोर्ट करना चाहिए। रिकमेंडेड में आप देख सकते हो 8 GB रैम है, 64-bit क्वाड कोर CPU है, और 2 GB ग्राफिक्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ऑप्टिमल में आप, मैं तो बोलूँगा जो भी आप चाहो, जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो जहाँ तक मुझे इनका आंसर अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि आपके वाले में सपोर्ट करना चाहिए, बट ग्राफिक्स कार्ड नहीं होने के कारण आपको रेंडरिंग वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। एंड DSP दीपक ने भी रिप्लाई किया है कि ग्राफिक्स 1 GB है, देन आई विल जस्ट से दैट यू कैन प्रोसीड, सपोर्ट करेगा आपके वाले में। और जहाँ तक सवाल है कि कार्टून एनिमेशन बना सकते हैं क्या, तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि ग्राफिक्स कार्ड के कारण थोड़ा बहुत रेंडरिंग में प्रॉब्लम जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है रजनी जायसवाल एंड DSP दीपक, दे मस्ट हैव बीन यू नो अंडरस्टूड।
एंड नेक्स्ट मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड एक अगला है लॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी का कमेंट। मैंने यूनिटी 3D सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश की पर वो 64 बिट में डाउनलोड हो रहा है जबकि मुझे 32 बिट चाहिए। और दोस्त आप जो भी हो, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि यूनिटी जो है अब 32 बिट में यूनिटी आना बंद हो गया है। एंड अगर फिर भी आपको 32 बिट चाहिए यूनिटी का, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो पुराने वर्जन है उसके आई थिंक 5 point something वुड बी देयर, क्योंकि अब 2017. जो भी आ रहा है जस्ट लाइक लेटेस्ट इज 3 2017.3, वो अब 32 बिट में नहीं आ रहा है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप उसको इजीली 64 बिट में कर सकते हो। करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम में जो विंडोज इंस्टॉल है उसको हटा के नेक्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करोगे तो 64 बिट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 32 बिट को अनइंस्टॉल करके 64 बिट करो, या तो फिर जो पुराने वाले वर्जन है यूनिटी के वो डाउनलोड करो। एंड दैट आई विल नॉट रिकमेंड यू, ओके। एंड ओके फ्रेंड्स, आई थिंक थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया अभी मैंने। नेक्स्ट टाइम से मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर किया करूँगा ताकि आप अपने आंसर को सही से समझ सको, ठीक है दोस्तों। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो तो आप चाहो तो जो डिस्कशन टैब रहता है वहाँ उसको भी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका डिस्कशन टैब रहता है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको भी चाहो तो यूज कर सकते हो अपने कमेंट्स के लिए। और मिलता हूँ मैं अगले ट्यूटोरियल में, तब से आप सब से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।